डायबिटीज़ को मधुमेह कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्लड शुगर है हमारे ब्लड के अंदर वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसको डायबिटीज़ कहा जाता है, हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, सबसे जो आम है उसको डायबिटीज़ टू कहते हैं, एक होती है जो कम मात्रा में होती है डायबिटीज़ वन होती है। डायबिटीज़ टाइप वन जो है वो छोटे बच्चों में होती है और ये हमारे पेरेंट से एक्वायर होती है, इसको हेरेडिटरी कहते हैं। लेकिन जो सबसे आम डायबिटीज़ है वो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, उसको डायबिटीज़ टू कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी मात्रा बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही है। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या लक्षण हैं। आपको ये मालूम ही है कि हमारे देश में डायबिटीज़ की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ख़राब हो गई है और अगर जीवन शैली ठीक रखें तो ये ठीक हो सकती है। जीवन शैली में चार अंश जो ख़राब हो गए हैं, हमारा खान पान ठीक नहीं रहा, हमने बहुत सारे रिफाइंड फूड खाने शुरू कर दिए हैं, घर के बाहर खाना शुरू कर दिए, शारीरिक व्यायाम कम हो गया है, मानसिक तनाव बढ़ गया है और हमने तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कॉज है जिससे डायबिटीज़ हो सकती है। लक्षण इसके क्या होते हैं कि हमारा एक तो मोटे लोगों को होती है, उनका अगर वज़न एकदम कम होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा भूख लगे, प्यास लगे, या कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़ख्म हो जाता है वो भरता ही नहीं है, लेकिन कई बार डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। हम यही कहते हैं कि हमारे देश में सबको डायबिटीज़ का चेकअप करा लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, इसका पता करेंगे ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसका कैसे रोकथाम किया जा सकता है और कैसे इलाज किया जा सकता है। जैसे आपको मालूम ही है कि डायबिटीज़ हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई है, अगर हमारी जीवन शैली ख़राब है तो ये बीमारी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं खान पान का ध्यान रखूँ, ये देखना है कि रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी है हमें, जैसे कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ ले सकते हैं, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, सफ़ेद रंग की डबल रोटी नहीं खानी, चावल भी जो है ब्राउन राइस खाना है और तेल भी जो है रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। दूसरा, हमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, इसको फैट्स कहते हैं, क्योंकि फैट्स का भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, मोटापा हो जाता है इसके साथ साथ, तो ये खान पान ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक बच सकती है। दूसरा, शारीरिक व्यायाम करने से शुगर कम होती है, आधा घंटा रोज़ चलना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा, हमें मानसिक तनाव से दूर रहना है, इसमें बहुत बड़ी स्टडी हुई है कि योग से ठीक हो सकता है। और चौथा, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना। इलाज इसका बगैर दवाई के भी हो सकता है एटलीस्ट चीज़ में, लेकिन अगर बीमारी बढ़ी हुई हो तो कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती हैं, इससे ठीक हो सकता है।